आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे इब्रानियों 11 की 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम है। परिणाम विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम। परिणाम मतलब सबूत है। जो चीज नजर नहीं आती, विश्वास करो आपके पास है। अगर आप बीमार हो तो विश्वास करो मैं नहीं हूं, और वैसा ही हो जाएगा। आपके पास बेबी नहीं है, आपके आपके पास घर नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप विश्वास करो। सब चीजों के लिए विश्वास करो, आप जो करोगे विश्वास वैसा ही हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा जैसा विश्वास करोगे वैसा ही हो जाएगा, पर ये लोगों को ये पता नहीं है। इस नियम का लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास है अगर चंगे हैं तो चंगे हैं। अगर खांसी आ रही है अभी तो आ रही है, वो ये नहीं विश्वास करें कि मेरे लिए नहीं है। अगर दर्द है यहां पे तो कहेंगे अभी है, जख्म है अभी है, पर परमेश्वर कहता विश्वास करो नहीं है। अगर अगर आपके पास काम नहीं है तो विश्वास करो बहुत है। आपके ऊपर कर्ज है, विश्वास करो नहीं है। ये उसका नियम है। बोलो क्या है? ये उसका नियम है, और लोगों को उसके नियम का पता नहीं। समझ आ रही है? तो कैसे अपनी समस्याओं से छूट जाएंगे? समझ आ रही है? तो उसने भी ऐसे किया। हाँ, आज उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, और घर में बैठी रही। किसकी हजूरी में नहीं आई? मैंने कहा वो अपने घर में बैठी रही आराम से। हाँ, और जब मुझे पता चला कि मैंने कहा आपने तो परमेश्वर को काम करने का क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, मौका तो दिया नहीं है कि परमेश्वर। हाँ, पहली बात है कि अगर आपके अंदर वो प्रेम होता जिसने आपके जीवन को बचाया। हाँ, पता नहीं आपको पैरालाइज का अटैक आ गया, अगर आप चार पाई पे चले जाते, फिर चले जाते हैं कि नहीं? लोग चले जाते हैं, जैसे वो भाई। हाँ, पर उस पैरालाइज के, क्योंकि उन्होंने उसी समय मेरे से बात करवा दी, और पैरालाइज के अटैक से परमेश्वर ने क्या कर लिया, बचा लिया। उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा है, उसकी आवाज थोड़ी सी अभी, जो आवाज उसकी बंद हो गई थी अभी परमेश्वर सही तो कर दी है, हल्की सी है, हल्का सा टेढ़ापन है, पर वो भी चला जाएगा। पर उसकी कुछ बातों के कारण है, अगर कुछ है तो उसकी बातों के कारण, उसके मन के कारण है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके अंदर अगर प्रेम होता कि देखो मुझे, मेरे साथ ऐसा हालात आ गया, मैंने चाहे, मैंने आज जाना जाना, मुझे चाहे पैदल क्यों ना जाना पड़े, मैंने मैंने जाना जाना, चाहे मुझे पैदल क्यों ना जाना पड़े। और किसी को जी ये भी नहीं है, हा? कि किसी को बताना है कि मुझे पैसे दे दो जी, मैं कल दे दूंगी। हाँ, दे तो देंगे। हाँ, अपनी बुद्धि लगाओगे कोई पैसे तो दे देगा, पर वहां पे परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर अपना काम करना चाहता है, वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और मैंने इन चीजों में बहुत प्रैक्टिकल किया। क्या किया? आपको मेरी गवाही का पता ना, मैं हमेशा अपनी गवाही बताता हूं कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो पैसे मैंने डाल दिए, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, और मैंने किसी से नहीं मांगे। मैं चाहता अपने किसी भी, है ना, सॉरी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, वो कोई भी मुझे 50,000 लाख देर इतने तक दे सकते, पर मैंने किसी से नहीं मांगा। मैंने किस पर भरोसा रखा? तो जब तक हम मौका नहीं देंगे उसे काम करने का, कैसे करेगा परमेश्वर? बताओ मुझे, जब तक हम उसे काम करने के लिए मौका नहीं देंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर, तो कैसे कैसे करेगा? अगर वो कहती मैंने आज पैदल चलना है, क्या चलना है? वो सच्चा खुदा है, वो ऐसे होने नहीं देगा। हा? उससे वो पहले इंतजाम करेगा। क्या करेगा? वो उसे पहले इंतजाम करेगा। वो खुदा है जो 5,000 लोगों को, 4,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भी रजाना जानता है। आमीन। वो खुदा है, मैंने कहा वो इंतजामी खुदा, वो सब इंतजाम करने जानता है। हा? अगर वो 5 रोटी से 2 मछलियों को 4,000 लोगों के पेट को भर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है, पर लोगों को पता नहीं। बोलो, मैंने कहा लोगों को पता नहीं है परमेश्वर के नियम का, और लोग उसे काम करने के लिए मौका भी नहीं देते, क्योंकि उससे पहले वो बुद्धि अपनी लगाते, अपनी सोच लगाते। हा? अच्छा, हा? परमेश्वर तो चाहता है, उससे पहले ही आप घबरा जाते हो, हालात को देखकर घबरा जाते हो, घबरा
क्या जाते हो? घबरा जाते हो, घबरा। समझ रहे हो? क्या जाते हो? हालात को देखकर घबरा जाते हो। क्या जाते हो? घबरा जाते हो, घबरा। तो इसलिए नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि उसने कहा मत डर, मैं क्यों, क्या हूं तुम्हारी साथ हूं। क्या कहा उसने? मत डर, मैं क्या हूं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं अपनी तुझे ताकत दूंगा। क्या दूंगा मैं तुझे? अपनी, मैं तुझे अपनी ताकत दूंगा, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो हमारे दुखों में भी क्या होता है। हा? जैसे उस मूसा ने कहा पता नहीं साथ होगा कि नहीं, उस लड़के ने परमेश्वर को चेक किया। क्या किया? चेक किया। क्या किया उसने भी? चेक किया। जैसे मूसा ने, उसने भी कहा मैं देखता हूं आज परमेश्वर मेरे साथ है, तो अभी उसे विश्वास हुआ कि हाँ, दो पैर मेरे और दो क्या है उसके, क्या दो उसके, और उसे विश्वास हुआ, खुश हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ। पर आगे थोड़ा आगे गया तो एकदम समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया, बड़ा तूफान। और जब उसने तूफान की ओर देखा तो वो डर गया। और जब उसने उसके उस दो जो उसके उसके साथ साथ जो पांव चल रहे थे निशान, उसने देखा तो वो नहीं है। क्या नहीं है वो दो? वो नहीं है। फिर उसने कहा वाह परमेश्वर, देखा, देखा ना, देखा हालात को, तू भी डर के भाग गया। क्या कहा उस लड़के ने? हालात को देखकर तू मुझे छोड़कर चला गया। हाँ, परमेश्वर कहा नहीं मूर्ख, ये जो पैर तू देख रहा है ये तेरे नहीं है, मेरे हैं। ये जो पैर तू देख रहा है ये तेरे नहीं, मेरे हैं। और तू मेरी क्या है? बाहों में। तू मेरी, मतलब जिसे हम गोदी बोलते हैं, क्या है तू मेरी? बाहों में, मतलब मेरी गोदी में। ये तेरे पांव नहीं है, ये मेरे हैं। हमारे सुन, विच हालातां दे ओ सानू गोदी विच उठावेगा, विच हालातां दे सानू ओ गोदी विच उठाएगा। पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तक आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं करोगे, है ना। जैसे अगर उस औरत ने ऐसे मन बनाया होता कि मैंने आज पैदल जाना, हाँ, परमेश्वर को समा काम करने का मौका दिया ही नहीं। आज लोग की, आज 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 की कलीसियां, आज के लोग उसे मौका नहीं देते काम करने का। उससे पहले वो अपनी बुद्धि, अपना तरीका, अपना सोच लगाते हैं, इसलिए परमेश्वर कुछ नहीं करता। क्या नहीं करता? कुछ नहीं करता, क्योंकि वो नियम का परमेश्वर है और नियम से ही सब काम करता है। हाँ, इसलिए कई लोग निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत से लोग इस सच्चाई को, उस सच्चे खुदा को छोड़कर भी चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई। क्या नहीं आई? समझ नहीं आई उसके राज्य और सच्चाई की। करना क्या है? हाँ? बोलो, करना क्या है?